पाठ क्रमांक 3 बहुपद गणित भाग 1 नवी कक्षा बहुपद संश्लेषात्मक भाजन विधि सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में संश्लेषात्मक भाग विधि से भाग करते समय सिर्फ x प्लस a अथवा x माइनस a रूप वाले बहुपद जिनका घात 1 है ऐसे ही भाजक लिए गए हैं। ठीक, इसके बाद उदाहरण देखिए, x का घन ऋण 19x धन 30 में x धन 3 से संश्लेषात्मक भाग 2। उदाहरण को ध्यान से देखिए कैसे हल किया गया है, आपकी किताब में भी दिया गया है। इसमें x प्लस 3 दिया है, तो x प्लस 3 है जो बराबर के उस पार 3 चला जाएगा तो माइनस आएगा, तो भाग लेने में भाजक जो है माइनस 3 है। संश्लेषात्मक भाग विधि में देखिए इस तरह से किया गया है, खड़ी लाइन खींचने के बाद बाई तरफ माइनस 3 और दाहिने हाथ की तरफ जो समीकरण दिया है उसे लिखते हैं एक्स का घन, एक्स का घन के आगे कितनी संख्या है 1, जो दिख नहीं रही तो 1 मानेंगे, 1। फिर घनात्मक है, घनात्मक है, घन के बाद में क्या है सिर्फ 19 ऋण 19 एक्स है, तो उसके बीच में एक वर्ग रह जाता है अगर सीरियल से चले तो, 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0 घात में, तो 1 लिखने के बाद आ जाता है एक्स का स्क्वायर नहीं है तो उसका मान रखा 0। फिर आगे जाएंगे तो आता है माइनस 19 एक्स बिना घात के है, तो माइनस 19 लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है घात 0 तो क्या है प्लस 30, प्लस 30 लिया। अब हल किया जाएगा 3, ऋण 3 का पहले से कुछ नहीं होगा तो वो 1 नीचे आ जाएगा 1। अब 1 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 3, ऋण 3 आ जाएगा 0 के पास, 0 के नीचे। ऋण 3 और 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर ऋण 3। ठीक, ऋण 3 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो धन 9 हो जाएगा, धन 9 किसके नीचे आएगा ऋण 19 के। ऋण 19 के नीचे आने के बाद ऋण 19 में से 9 घटेगा तो बचेगा ऋण 10, ऋण 10 का गुणा ऋण 3 में करेंगे, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 3 और 10 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 और 30, 30 के नीचे 30 आ जाएगा, 30 और 30 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60। तो भागफल बराबर जो आया हुआ है वो लिखा जाएगा 1 ऋण 3 ऋण 10 का घातांक स्वरूप। का घातांक स्वरूप कैसे लिखेंगे देखिए, कितनी संख्या 3 है तो पहले क्या लेंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद माइनस 10, ये घातांक स्वरूप हो गया। ठीक, तथा शेषफल क्या आया 60, तो x का घन माइनस 19x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 भाजक है जो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 प्लस 6। ये उदाहरण ध्यान से देखेंगे और इसको लिख के रखेंगे आपके बुक में तो आपको अगली बार इस तरह के प्रश्न हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए वर्किंग भी करके दिखाया गया इसी में। अब आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न संग्रह 3.3 का पहला वाला। निम्नलिखित भाजनों को संश्लेषात्मक तथा रेखीय भाजन दोनों विधियों से करके भागफल तथा शेषफल लिखो। 2m का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 का भाग m माइनस 5 से देना है, तो इसमें m माइनस 5 है तो बराबर के उस पर 5 चला जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 से भाग देना है किसका, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, जिसमें देखिए वर्ग घात वर्ग है, फिर 3m के ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है और 10 के ऊपर 0 है, तो उस तरह से हम क्या लिखें, 5 से भाग देंगे किसे, 2 का ऋण 3 का और 10 का। तो ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसको आपको देखना समझना है और अपने बुक में लिखता रहेगा, आप लिखने की शुरुआत करो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो भाज्य स्वरूप, भाज्य का गुणांक स्वरूप, गुणांक स्वरूप यानी संख्या 2 3 और 10, ये गुणांक स्वरूप है। भाजक m माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 5,
पांच से भाग देना है, देखिए किस तरह से, 2 माइनस 3 10, 2 ऐसे क्या ऐसे नीचे आ जाएगा, 5 का गुणा 2 से होगा, 5 दूनी 10। वर्किंग देखिए मेरी बहुत ही आसान तरीके से करके रखा है कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। 10 में से 3 चला जाएगा, आंसर आएगा 7। ऋणात्मक संख्या छोटी है, 7 का गुणा 5 में करेंगे 35, धनात्मक है, 35 और 10 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 45। ठीक, ये शेषफल बहुत ही आसान है, संश्लेषणात्मक भाग विधि। आंसर आया 2 और 7 है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, 2x+7 ब्रैकेट के अंदर +45, भागफल का गुणांक स्वरूप। गुणांक स्वरूप देखिए कैसे लिखा है, ये गुणांक स्वरूप 2 7 है, भागफल है 2m+7। समझ गए, एक उदाहरण जो था उसको समझने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 2। वही प्रश्न है दूसरी विधि से, 2m² - 3m+10, 2m m-5 + 10m - 3m+10, 2m² - 10m + 10m - 3m+10, ये कट गया, 2m² + -3m+10 जैसे थे वैसे। इस विधि 2 में क्या किया, m-5 को m की जगह पे रख दिया, देख रहे हैं 2m m-5 + 10m - 3m+10, 2m² 7m+10, 35 और 35 कट जाएंगे, 7m m-5 + 10, 5 कॉमन, 2m+7 + 45। ये दूसरी विधि, पहली विधि संश्लेषणात्मक भाग विधि बहुत ही सरल आसान है, दूसरी विधि थोड़ी कठिन है। 2m+7 भागफल, शेषफल 45। दो विधि है, प्रश्न क्रमांक 3 पे आएंगे, y का घन ऋण 216 को भाग देना है y-6 से। y-6 है, संश्लेषणात्मक भाग विधि में y = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y का घन है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, y के आगे क्या है, कोई भी संख्या नहीं तो 1 मानेंगे, फिर उसके बाद 216 है बिना चरांक के, तो घन के बाद वर्ग आ जाएगा, शून्य लेंगे, फिर उसके बाद में फिर एक शून्य लेंगे बिना घात के, फिर -216। देखिए कैसे वीडियो में प्ले किया गया है, संश्लेषणात्मक भाजन विधि, पहले विधि से, पहली विधि बहुत ही आसान है।
वाई का घन प्लस 0 वाई का वर्ग प्लस 0 वाई माइनस 216, ठीक है, स्प्लिट कर दिया घन को, गुणांक स्वरूप में लिखा। किस स्वरूप में लिखा? गुणांक स्वरूप में, इसको कहते हैं गुणांक स्वरूप। अब इसमें से गुणांक चीज निकाल लेंगे, भाज्य वाई का घन प्लस 0 वाई स्क्वायर प्लस 0 वाई माइनस 216, इसमें से गुणांक निकाल लेंगे। देखिए, एक शून्य शून्य ऋण 216, ठीक, गुणांक स्वरूप है ये। अब भाज्य का गुणांक स्वरूप y माइनस 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर के उस पार चला जाएगा, तो ऋणात्मक धनात्मक हो जाती है, माइनस 6 के विपरीत संख्या 6। गुणांक स्वरूप लेंगे 1 0 0 माइनस 216, ठीक, ये करेंगे 6, 6 में शून्य जोड़ेंगे 6, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, 36 में 0 जोड़ेंगे 36, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, 36 असिल 3, 6 3 18 3 21, 216 धनात्मक, 216 में से 216 गया, शेषफल आया 0, ठीक। भागफल का गुणांक स्वरूप है 1 6 36, 1 6 36 शेषफल जून, बपद में लिखेंगे इसको, शेषफल 0। दो वीडियो से आप आसानी से समझ जाएंगे संश्लेषणात्मक भाग विधि कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही सरल है ये विधि। दो देखिए, रेखीय विधि थोड़ा कठिन है समझना इसको, y का घन ऋण 216, तो y का घन ऋण 216 है, तो क्या करेंगे, पहले इसको छोटा करेंगे, y का वर्ग ब्रैकेट में 6, ठीक है, क्योंकि y 216 का घनमूल 6 आएगा, 6 6 36, 36 6 216 गुणा करके देखना, तो उसको तो ब्रेकअप किया है, तोड़ा है, कैसे, y का वर्ग ब्रैकेट में y माइनस 6, y के वर्ग का गुणा y से करेंगे तो y का घन हो जाएगा और 6 का घन आ जाएगा 216, ठीक है, इस तरह से ब्रेक किया। फिर उसके बाद प्लस 6y का वर्ग माइनस 216, आगे चलेंगे y का वर्ग y माइनस 6 प्लस 6y का वर्ग 6y ब्रैकेट के अंदर y माइनस 6, तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, 6y का वर्ग हो जाता है जो ऊपर दिया है, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36y माइनस 216। आगे चलेंगे y का वर्ग ब्रैकेट के अंदर y माइनस 6 प्लस 6y y माइनस 6 जैसा है वैसा प्लस 36 ब्रैकेट के अंदर y का मान क्या, y माइनस 6 प्लस 216 माइनस 216, कॉमन क्या है, y माइनस 6 यहाँ पे भी है वहां पे भी, तो y माइनस 6 ले लिया। इसके बाद y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 जो बचा हुआ है वो लिया। भागफल इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, शेषफल क्या आया 0, 216 से 216 कट गया, तो शेषफल क्या आया 0। ये है रेखीय विधि, आपको अपने बुक में लिख के रखना है, स्टार करके रखना है समझने के लिए, और रेखीय विधि को अंडरलाइन करके रखना है, रेखीय विधि किस तरह से हल किया जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 पर, अगला क्वेश्चन है, आ गया स्क्रीन पे बराबर से, ठीक, x का घात 4 प्लस 2x का घन मूल प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x प्लस 5, पूरा
बहुपद विस्तार में दिया गया है, इसमें से सिर्फ हमको गुणांक संख्या लिखना है, आसानी से ले लेंगे। आगे x प्लस टू, x प्लस टू का हो जाएगा -2 भाजक, और इसके गुणांक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। देखो लिखा गया है -2 से भाग देना है, संश्लेषात्मक भाग विधि के तरीके से। देखिए किस तरह से लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, एक जैसे है वैसे नीचे। एक का गुणा ऋण 2 में करेंगे, ऋण 2, 2 के नीचे आएगा ऋण 2, ऋण 2 और धन 2 जुड़ के घट के खत्म होके शून्य हो जाएगा। ऋण 2 का गुणा शून्य में करेंगे, आंसर आएगा शून्य। 3 में शून्य जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी चिन्ह है उसके हिसाब से क्या आएगा, 3। ठीक, 3 का गुणा ऋण 2 में करेंगे, ऋण 6, 4 में से ऋण 6 जाएगा तो ऋण 2 बचेगा। ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो धन 4, 5 और 4 जुड़ेंगे तो कितना होगा, शेषफल 9 बचा हुआ। लास्ट की संख्या क्या है, शेषफल 9। भागफल का गुणांक स्वरूप क्या आया, 1, 0, 3, ऋण 2। ठीक, अब इसका भागफल को बहुपद में लिखेंगे, ए कितनी संख्या, 4, एक छोड़ देंगे, घन से शुरू होगा, एक्स का घन प्लस जीरो एक्स का वर्ग है, वो जो लिखना नहीं है, जो जीरो है तो दिखता नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, 3x -2 इज इक्वल टू शेषफल 9। समझ गए, अब इसको रेखीय विधि से देखेंगे। सेम क्वेश्चन लिखा गया है, रेखीय विधि से देखिए कैसे किया गया है। x का घात 4 है, एक x निकाल दिया, क्या लिखा, x का घन x प्लस 2। ठीक है, x का घन का गुणा x में करेंगे तो x का घात 4 प्लस 2x का घन हो जाता है, जैसे ऊपर है वैसे, तो ऊपर वाले को तोड़ के छोटा किया गया। फिर -2x का घन प्लस 2x का घन प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जैसे थे वैसा, प्लस माइनस एक बार लिया। इसके बाद नीचे x का घन एक्स प्लस टू प्लस 3x, यहाँ जो है 3x, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस टू, जो 3x स्क्वायर ऊपर दिख रहा है उसको स्प्लिट किया, माइनस 6x प्लस 4x प्लस 5। अगली लाइन, एक्स का घन ब्रैकेट में एक्स प्लस टू प्लस 3x एक्स प्लस टू, जैसे थे ऊपर के वैसे लिए। फिर नीचे ऋण 2 एक्स प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। आगे क्या बचा, एक्स प्लस 2 कॉमन बचा, क्या ब्रैकेट के बाहर एक्स का घन प्लस ब्रैकेट के बाहर 3x और ब्रैकेट के बाहर -2 जो बचा हुआ वो लिया, बाकी एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू जो कॉमन है वो एक बार लेंगे, हट जाए। प्लस 4 और 5 को जोड़ा क्या आया, 9। भागफल इज इक्वल टू एक्स का घन जो दिख रहा है प्लस 3x -2 और शेषफल आया 9। ये रेखीय विधि हुई। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। दो एक्स का घात 4 प्लस 3x का घन प्लस 4x -2x का वर्ग, इनको भाग देना है x प्लस 3 से। x प्लस 3 का विपरीत हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। ठीक, और इसके गुणांक स्वरूप हो जाएंगे, 2x का घात 4 का 2, 3, फिर उसके बाद 0 प्लस 4 -2 और इसके बाद 0। ठीक, देखिए आंसर में कैसा है, -3, 2, 3, 2, 4 और 0। 2 -2x का वर्ग पीछे है, उसको आगे ले आएंगे, ऑर्डर में रखेंगे, 3x का घन के बाद 2x -2x का वर्ग आएगा। ऑर्डर में रखने के बाद संश्लेषात्मक भाग विधि में रखेंगे उसको,
और अब हल करेंगे। ऋण दो अपने जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगा लाइन के। दो का ऋण दो तीन में गुणा करेंगे, ऋण तीन गुणे दो हो गया ऋण छः। ऋण छः में से तीन चला गया, क्या बचा? ऋण तीन। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को किस तरह से आंसर आ रहा है। अब ऋण तीन का गुणा ऋण तीन में करेंगे तो धन नौ, धन नौ में से ऋण दो गया तो क्या बचा? सात। सात का गुणा ऋण तीन में होगा, ऋण तीन में सात का गुणा किया तो ऋण 21, ऋण 21 में से चार गया तो ऋण 17। अब ऋण 17 का गुणा ऋण तीन में किया तो धन 17 51, ऋण ऋण धन हो जाएगा। 0 और 51 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा? 51। सिंपल, क्या बचा? 51। गुणांक स्वरूप क्या है? 2 ऋण 3 7 और 17। अब इसको लिखेंगे हम भागफल में, बहुपद में। 1 2 3 4 संख्या है तो एक छोड़ेंगे तो तीन बचा तो क्या घन हो जाएगा? 2x का घन ऋण 3x का वर्ग प्लस 7x-17, शेषफल 51। संश्लेषात्मक भाग विधि बहुत ही सरल है, छोटा बच्चा चौथी पांचवी का भी बच्चा इसको आसानी से कर लेगा। तो आप तो 9वीं में हो। रेखीय विधि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन करती है, इसके लिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए रेखीय विधि में कैसे किया गया। 2 का घात 4 जो प्रश्न है वो लिखा है, प्लस 3x का घन प्लस 4x ऋण 2x का वर्ग। पहला वाला लेंगे, 2x का वर्ग को स्प्लिट करेंगे, 2x का घन, 1x अंदर चला गया, x+3, ठीक है। अब आगे 2 3 6 हो जाता है, ऋण क्या लिखा है? 6x का घन, फिर प्लस जो 3 था 3x का घन ऋण 2x का, छह एक्स का घन प्लस फिर इसका गुणा किया 3x का घन, इसके बाद ऋण 2x का वर्ग प्लस 4x, ऋण 2x का वर्ग प्लस 4x। आगे चलेंगे अगली लाइन, 2x का घन प्लस x+3 जैसे है वैसे ही इसको ब्रेक किया, ऋण 6x के वर्ग घन को, तो क्या किया? -3x का वर्ग ब्रैकेट के अंदर x+3 ले लिया। 3x का वर्ग का गुणा x में करेंगे तो 6x का घन हो जाएगा प्लस 3 लिया, अभी उसका गुणा इसमें करेंगे तो 9x का वर्ग, 3x² × 3 जो ब्रैकेट में उससे गुणा करें तो 9x का वर्ग, इसके बाद -2x का वर्ग प्लस 4x। अब आगे की लाइन, नेक्स्ट लाइन, 2x का घन जैसा है वैसा ही, x+3 वैसा ही, -3x का वर्ग वैसा ही, x+3 वही भी वैसा ही प्लस। अब क्या करना है इसमें देखिए, 9x के वर्ग में से ऋण 2x का वर्ग जाएगा तो क्या बचा? 7x, x+3 -17 ब्रैकेट में अंदर x+3 +51। कॉमन लिया x+3, x+3 है वो मान है किसका? x का, वो रख रख के हल किया गया है, ठीक। शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 51। भागफल क्या? 2x का घन जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो आ जाएगा, -3x का वर्ग प्लस 7x-17 ब्रैकेट बंद प्लस 51, शेषफल। ये रेखीय विधि है। अगले प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न क्रमांक 5, x^4 ऋण 3x^2 ऋण 8 को भाग देना है x+4 से। संश्लेषात्मक भाग विधि बहुत ही सरल है, देखिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। x+4 का -4 हो जाएगा और x^4 है तो वहां पे गुणांक उसका 1, उसके बाद वर्ग है तो घन नहीं है, उसका मान आएगा 0 गुणांक, फिर -3, फिर उसके बाद स्क्वायर के बाद एक घात वाला आएगा तो 0-8। 1 जैसा है वैसे नीचे आ गया लाइन में, ऋण 4 का गुणा 1 में किया ऋण 4 और 0 ऋण 4, ऋण 4 का गुणा ऋण 4 में किया तो 16, देखिए
देखिए 16 63 के नीचे, 16 में से 3 गया बचा 13, 13 का गुणा ऋण 4 में करेंगे तो -52, 0 में से -52 गया तो -52, -52 का गुणा 4 में किया तो 208, जो भी है 208 में से -8 गया तो शेषफल आया 200। तो गुणांक स्वरूप क्या है, 1 -4 13 -52, भागफल उसको कैसे लिखेंगे, कितनी संख्या 4, तो 3 आएगी, 3 पे घात लगेगा, x का घन -4x का वर्ग +13x -52, शेषफल 200। अब रेखीय विधि देखना है आपको, रेखीय विधि अब ध्यान से देखेंगे, 3 4 बार देखने के बाद, लिखने के बाद हम अपने आप आ जाना चाहिए कैसे किया गया है। एक्स का घात 4 ऋण 3 एक्स का वर्ग ऋण 8, तो इसको स्प्लिट किया है, एक्स का घन लिया, अब ब्रैकेट में एक्स का मान लिया x+4, जो भागफल है x+4, ठीक। आगे लिखेंगे -4x का घन -3x का वर्ग -8। 4x का घन किस तरह से आया, x का घन का गुणा x में करेंगे तो 4x का वर्ग जो होता है ऊपर वो, और -3x का वर्ग जो दिया वो लिया और 8। अब आगे चलेंगे अगला स्टेप, x का घन x+4 जैसा है वैसे ही, उसके बाद 4x के घन को स्प्लिट करेंगे, -4x का वर्ग, 1x चला गया ब्रैकेट में, x+4 जैसा भागफल है वैसा, अब प्लस 4 का 4 में गुणा करेंगे, देखिए 4x वर्ग का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16x का वर्ग आता है, +16x का वर्ग। अगला आएगा -3x का वर्ग -8, समझे, हर एक स्टेप अगला स्टेप सेम रिपीट होगा, x का घन x+4 -4x² x+4, यहाँ तक जैसे थे वैसे ही, उसके पास +16x का वर्ग में से 3x का वर्ग चला जाएगा सेम सेम है, तो इसका यहाँ हल करना है तो क्या बचेगा, 13, क्या बचेगा, 13x, अब ब्रैकेट के अंदर x+4। अब आप बोलोगे कि सर 16x वर्ग में से 13x वर्ग गया तो एक्स वर्ग माइनस एक्स वर्ग कट जाएगा, सिर्फ 13 ही बचेगा। हाँ बराबर है, ठीक है 13 ही बचेगा, तो अभी हमने क्या किया है, कॉमन लिया है ना, 13 लिया, उसके साथ x जोड़ा, ब्रैकेट के अंदर x+4 लिया, जो भागफल दिया है, कॉमन लेना है ना सब, x+4 x+4, देखिए हर लाइन में दिख रहा है, तो वो 13x लिया, 13x x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाता है ना, तो 13x ब्रैकेट के अंदर x+4, इसके बाद हो गया -52x -8। अब -52x का आएगा 13x का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 52 आएगा, 13 चौक 52 -52x -8, ठीक है। आगे चलेंगे अगली लाइन, सेम रिपीट होती जाएगी, x का घन x+4 -x² ब्रैकेट के अंदर x+4 +13x x+4 यहाँ तक लाए, अब इसके बाद आएगा -52 बाहर, x+4 अंदर, 8 5 40 8 6 48 8 7 56, x+4, x का मान क्या है, x+4, शेषफल जो है लिया x+4, इसके बाद आएगा -208, ये देखिए 52 का गुणा किसमें करेंगे 8 में, तो कितना आ जाएगा 208, 208 लिखा ना, 2 यहाँ लिखा है, 08 नीचे आ गया, -8, यहाँ तक समझ गए। अब क्या बच रहा है देखना है, x+4 कॉमन लेना है, लिया x+4 कॉमन, 1 2 3 4 जगह x+4 है, एक बार लिया x+4, और जितने भी ब्रैकेट के बाहर है ऊपर की लाइन की, वो सब आ जाएंगे भागफल विधि में ब्रैकेट के अंदर, x का घन -4x² +13x -52, और 208 में से -8 हुआ तो शेषफल क्या बचा, 200 आ गया। अब समझ गया आप लोगों को रेखीय विधि कितनी आसान हो गई, स्प्लिट करते जाना है हर एक को, आगे आगे जाके जहां भी x का मान दिया है वहां पे भागफल का मान रखना है,
अब यह है लास्ट वाला प्रश्न, संश्लेषात्मक भाग विधि देखना है। वाई का घन माइनस 3 वाई का वर्ग प्लस 5 वाई माइनस 1 जैसे है वैसे ही, तो इसके गुणांक स्वरूप हो गए 1 ऋण 3 धन 5 और ऋण 1, और इसका भाजक हो गया वाई माइनस 1 है तो उसका विपरीत हो जाएगा 1। ठीक, 1 से भाग देना है। चलिए देखो संश्लेषात्मक भाग विधि लाइन खींचा, 1 पहला वाला का मान वैसा का वैसा ही नीचे रखना है, 1 का गुणा 1 में किया 1 आया, ऋण 1 3 के नीचे आ जाएगा, ऋण 3 में से 1 गया ऋण 2, ऋण 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा ऋण 2, 5 में से ऋण 2 गया तो बचा कितना 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एक कम 3, 3 में से ऋण 1 गया तो बचा कितना शेषफल 2। भागफल का गुणांक रूप 1 ऋण 2 3, तो एक वर्ग हो जाएगा वाई का वर्ग ऋण 2 वाई प्लस 3, शेषफल 2। बहुत ही आसान है संश्लेषात्मक। अब इस आधार पर हमको रेखीय विधि देखना है, ध्यान से देखना है, सुनना है आप लोगों को। अगली दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को समझने के लिए। वाई का घन ऋण 3 वाई का वर्ग प्लस वाई 5 वाई माइनस 1। अब है हमारा जो भाजक वाई माइनस 1 वो आ जाएगा इधर। ठीक है, देखिए वाई का घन ब्रैकेट में वाई माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद अगली लाइन में आएगा माइनस 2 वाई ब्रैकेट वाई माइनस 1 फिर माइनस 2 वाई प्लस 5 वाई इक्वल टू 1। पहली लाइन वाई स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस क्या लेंगे वाई स्क्वायर, क्या लेंगे वाई स्क्वायर का गुणा फिर माइनस 3 वाई का वर्ग जो ऊपर दिया प्लस 5 वाई माइनस 1। समझ गए, आगे चलेंगे। वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस 1 जैसा था वैसा ही माइनस 2 वाई लिया, ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस 1 आगे जाएगा माइनस 2 वाई प्लस 5 वाई इजिकल टू 1। नेक्स्ट लाइन वाई स्क्वायर वाई माइनस 1 कॉमन माइनस 2 वाई जैसा है वैसे ही वाई माइनस 1 जैसा है वैसे ही प्लस, अब 5 वाई में से 2 वाई गया तो क्या बचा 3, ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस 1 कॉमन जैसे भाग भागफल जो दिया वो रखा, प्लस क्या बचा 3 फिर माइनस 1। नेक्स्ट लाइन सेम रिपीट होते गई, वाई वर्ग ब्रैकेट में वाई माइनस 1 माइनस 2 आई ब्रैकेट में वाई माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 3 वाई माइनस 1 3 में से 1 गया 2, वाई माइनस 1 कॉमन है जो शेष भागफल है जो भाजक है। अब माइनस 2 वाई प्लस 3 जो ब्रैकेट के बाहर है वो सब लिया एक साथ, वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 3 प्लस 2 क्या है शेषफल। ये रेखीय विधि है, ये वीडियो आप लोग के ग्रुप में डाल दूंगा मैं, तो आप लोग इसको फिर से समझना और देखना, आपको स्क्रीन पे दिखेगा ये। इस आधार पे आप बचे हुए क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक, किसी को कोई डाउट होगा वो बेचक पूछ सकता है, इसका मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके सर, तो आप कोई ये था अच्छा, भाग 1 पाठ नंबर 3 बहुपद संश्लेषात्मक भाग विधि, भाग विधि 1 और विधि 2, इसमें आप लोगों को 3.3 के प्रश्न बताए गए, 6 से 7 7 क्वेश्चन 6 प्रश्न आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया, स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप इसके आधार पे बाकी के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं यहीं पे क्लास स्टॉप करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।